सो हेलो एंड वेलकम गुरु लोग। देखो आज से करीबन 3 हफ्ते पहले की बात है जो कि 30 सितंबर को कांतारा मूवी रिलीज हुई थी। हाँ एक्चुअली में तुम्हें पता होगा 29 सितंबर को दो तगड़ी तगड़ी मूवी रिलीज हुई थी, विक्रम वेदा जो कि बॉलीवुड की तरफ से और साउथ इंडस्ट्री से जो थी पोनियन सेल्वन, जिसके बारे में ऑलरेडी अपने को काफ़ी अच्छे तरीके से पता है। लेकिन 30 तारीख को रिलीज होने वाले 30 सितंबर को कांतारा मूवी के बारे में किसी भी लोगों को पता नहीं था। केवल वो अपने ऑडियंस को, कनाडा इंडस्ट्री के ऑडियंस को दिखाना चाहती थी, इसी के लिए इस मूवी को बनाया गया था। लेकिन स्पेशली गुरु उस टाइम पे इसके ट्रेलर को देख अपन का दिल जीत लिया था इसने, इसी के लिए हमने सबटाइटल के साथ इसे काफी सही तरीके से एंजॉय किया। लेकिन हालांकि सबको पता है सबटाइटल से कितने भी पढ़ के तुम समझ लो चीजों को, थोड़ी बहुत तो समझ में आ जाती है, लेकिन तुम मूवी के मजे नहीं ले पाते हो। तो खैर हिंदी में जब ये रिलीज हुआ तो हिंदी में भी अपन ने देखा, खैर सबटाइटल के साथ वीडियो अपन ने बनाया था, लेकिन हिंदी में देखने के बाद वीडियो बनाने का दिल किया, लेकिन क्या बोलता मैं, वही बकचोदी, तो चूतिया तो नहीं बना सकता तुमको। खैर उस टाइम पे मेरे पास इसको लेकर के कुछ ज्यादा बात करने के लिए चीजें नहीं थी, बट अभी है तो हम इसके ऊपर, कांतारा के ऊपर काफी अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं आज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो करना परेशान हो गए हम। अगर हम इस पर वास्तविक रूप से बात करें तो किसी भी मूवी का कितना क्षमता है और वो कितने हद तक जा सकता है ये कोई समझ नहीं सकता। वो तो ऑडियंस के ऊपर, वो मूवी कितना कॉम्पैक्ट छोड़ रही है, क्या उसे देखने के बाद ऑडियंस पागल हो रही है, क्या वो 2-3 लोगों को और जाके बता रही है कि भाई बहुत तगड़ा माल है जाके देखो, क्या ऐसा बोल रही है। इससे क्या होता है कि प्रमोशन ऑटोमेटिक हो जाता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती है। खैर दूसरी या तीसरी आने वाली हर फ्राइडे को मूवी का प्रमोशन जाके किया जाता है एक अलग अलग शो के ऊपर, खैर वो भी उनकी भी नैया डूबी जाती है। लेकिन इसका 0% प्रमोशन, केवल अपने लैंग्वेज में आई ए मूवी, सिंपल सा भैया अपने लैंग्वेज में नहीं आई थी, कनाडा में आई थी, लेकिन इसका 0% प्रमोशन था। केवल ट्रेलर लॉन्च किया होगा जो कि अपने ही पब्लिक के लिए लॉन्च किया था भाई, कनाडा इंडस्ट्री के लिए लॉन्च किया था, तो वो अपने ऑडियंस को दिखा करके ही रुकना चाहते थे। लेकिन नहीं, जब पब्लिक को इसने देखा सबटाइटल्स के साथ 0% प्रमोशन होने के साथ, लोगों को पता चला इस चीज़ के बारे में, भाई काफ़ी तगड़ा मान बनाया है, सो जाके देखना तो बनता है। लेकिन जितनी लेवल से इसकी 2 हफ्ते के अंदर लोग इसे देख पागल हो रहे थे, लोगों ने इस तरह से मजबूर कर दिया इसके हम्बल फिल्म्स के प्रोड्यूसर्स को, खैर ऋषभ शेट्टी को, डायरेक्टर को और स्क्रीन आर्टिस्ट को, जो भी इसके लोग थे उनको मजबूर कर दिया कि इसे पैन इंडिया रिलीज के लेवल पे लाए। और फाइनली जाके 14 अक्टूबर को इसे हिंदी में भी रिलीज किया गया और भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में रिलीज किया गया। ये थी पब्लिक पावर, उनको पसंद आना मांगता कि गुरु लोग। हालांकि तुम्हें याद होगा कि दिसंबर मंथ में, जब 2021 में दिसंबर मंथ में पुष्पा रिलीज हुई थी, पुष्पा द राइज, 0% प्रमोशन, किसी को नहीं ज़्यादा पता था इसके बारे में। थिएटर में लगने के बाद पुष्पा ने मचाई तबाही, वो तो सबको याद है कि किस लेवल को उसने तगड़ा कॉम्पैक्ट अपना छोड़ के जा चुका है, जिसे कोई भूलने नहीं जा सकता। इतनी ज़्यादा टाइम तक इसका ट्रेंड चला, कोई भूल नहीं सकता। हालांकि वो पैन इंडिया रिलीज था, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में भी वो रिलीज हुआ था, लेकिन ये पैन इंडिया रिलीज ना होने के बावजूद भी इसने काफ़ी सही से कॉम्पैक्ट अपना छोड़ा है। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में मेन बंदा ऋषभ शेट्टी, जो कि सबसे पावरफुल फैक्टर है इस मूवी का, क्योंकि बंदे की ही स्टोरी है, डायरेक्ट भी उसने किया है, एक्टिंग भी उसने की है, सो ये मेन चीज बंदा ही था, इसी ने सब तोड़ फाड़ के इतनी गजब माल बनाया। हालांकि इस बंदे की जितने प्रशंसा करें उतना कम है, क्योंकि इसकी क्षमता अपने को देखने के लिए मिलती है मूवी के लास्ट सीन के अंदर, जो कि सब इसके ऊपर बात कर रहे हैं और सबको यही सीन सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। देखो ये कहानी हालांकि जमीन को लेकर हो गई, उनके गॉड को, कोला गॉड को लेकर के हो गई, वो सब कहानी तो सिंपल सी चलती रहती है उनके उस हिसाब से, लेकिन स्पेशली इसको प्रेजेंट करने का जो तरीका था वो काफ़ी मुझे सही लगा, क्योंकि उतनी खास स्टोरी ना होने के बावजूद भी इसने काफ़ी सही तरीके से लोगों को दिखाया है चीज़ों को। और बात करें तो कुछ कुछ कहीं से मुझे, एक्चुअली मैंने बोले तो कन्फर्मेशन नहीं है, बट मैंने सुनने में मुझे भी मिला, मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जो निकाला है कि ये रियल इंसिडेंट कहीं घटना घटा था, उससे कुछ अडेप्टेशन भी लिया गया है, मैं भी ऐसा कुछ लिया जाता है, इंस्पिरेशन लेने के बाद ही चीज़ें कुछ क्रिएट होती हैं, लेकिन काफ़ी सही किया गया। इतनी सारी बकचोदी हो ही गई है तो एक और बकचोदी की बात कर लें कि गुरु IMDb ने इसे 9.4 की रेटिंग दी है, जो कि सबसे ज़्यादा रेटिंग है। खैर IMDb कुछ भी देता रहता है, क्योंकि को किसी भी मूवी को कुछ भी रेटिंग दे देता है, लेकिन इसके लिए 10 out of 10 भी देता तो भी कम था बे, तो भी कम पड़ता। लेकिन इसी के साथ साथ जब मैंने देखा कि ये 16 करोड़ के बजट में बना है, तब तो कतई हिलने वाला कांड हो जाता है कि भैया महसूस नहीं होता अंदर, मूवी देखने के बाद ये महसूस नहीं होता कि 16 करोड़ में इसे बनाया गया है, क्योंकि अपने यहाँ बॉलीवुड की मूवी 16 करोड़ में, मतलब वो लोग बोलेंगे तो कॉफ़ी पीने में ही निकल जाएगा बहन, जो होटल का ही खर्चा 16 करोड़ में चला जाता है, उनका ऐसा होता है भाई, वो लोग पावरफुल आदमी हैं।
खैर 16 करोड़ की माल ने किस प्रकार का कॉम्पैक्ट छोड़ा है, तो इससे अपने को एक क्या महसूस होता है कि स्टोरी में दम होना चाहिए और प्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए, जो कि कनाडा इंडस्ट्री इस साल करके दिखाया है। क्योंकि जहां तक बात की जाए तो कनाडा इंडस्ट्री इस साल सबसे जबरदस्त चीजें फिल्मों को प्रोड्यूस करने वाली मूवी बनी है। सबसे ज्यादा मूवीज उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है, लेकिन बढ़िया बढ़िया मूवी प्रोड्यूस किया है। कोई भी मूवीज की बात कर लो, KGF चैप्टर 2 की बात कर लो, विक्रांत रोना की बात कर लो, चार्ली 77 की बात कर लो, ऐसी खैर उसके बारे में क्या डिटेल में जाएं, उसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी से पता है। देखो ओवरऑल सभी को पसंद आ रही, अपन को भी पसंद आई। खैर यही सब चीज़ें थी जो मुझे बात करना था। अगर अभी तक तुम मिस कर दिया है, जाओ ट्राई कर लो, तुम्हें काफ़ी सही लगेगा और मज़ा आएगा एक्चुअली में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक नए टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे।